मामला है। बिहार के गरीब तबके के लोग, नई पीढ़ी के लोग, महिलाएं, उनके आत्मसंतुष्टि के लिए ये सामाजिक अभियान चल रहा है, तो इनको तो चाहिए भ्रष्टाचार अगर पर नियंत्रण, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने का वादा किया था और क्या किए, पहला मुख्यमंत्री बिहार में बने, 4 वर्ष से अधिक कारावास में रहे और भ्रष्टाचार के मामले में पहला ट्रैप यही हुआ। नीति आयोग के रिपोर्ट पर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या दिक्कत है, बहस करें ना। नीति आयोग की जो रिपोर्ट है उस पर हम तैयार हैं, योजना आयोग की रिपोर्ट का भी नज़ारा दिखाएंगे आपका कि कैसे आप चरवाहा विद्यालय चलाते थे, कैसे उसमें 6 करोड़ रुपया चारा के लिए आवंटन होता था और 1 करोड़ रुपया भवन निर्माण के लिए, और हम अपना इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज से लेकर स्वास्थ्य संबंधी आंकड़े हो, सड़कें हो, बिजली हो, ये तमाम आंकड़ों के साथ जब मर्जी करें। और हम तो अनुरोध करेंगे संपत्ति वाला भी आंकड़ा जारी करें, संपत्ति कहां से लाए उस पर भी बहस होनी चाहिए, के योजना आयोग की रिपोर्ट पर भी चर्चा करेंगे, कहां कोई परेशानी है। और जिसमें मर्जी करे, अगर संपत्ति का भी हिसाब है लेना, चिथड़ा चिथड़ा उड़ा देंगे। अरे थोड़ा डाउन कर भाई, और राजनीति में अपने बात को सुनना चाहिए, हिट एंड रन नहीं कि ट्विटर पर बोल दिए, सदन में बोल दिए और जवाब नहीं सुनेंगे, जवाब भी सुनना होगा। और सरकार हमारे काम के बदौलत है, आप तो उन्माद और संपत्ति सृजन के बदौलत। लेकिन उनका कहना है कि आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं है। तो नहीं किया तो उनके गाँव में कौन विकास किया है, उनका गांव में उनका जो घर है वहाँ भी लालटेन जलता था, वहाँ बिजली हम ही पहुँचाए, गली हम ही बनाए, सड़क हम ही बनाए। हम मीडिया के माध्यम से राष्ट्रीय जनता दल के तमाम नेताओं को यह चुनौती दे रहे हैं कि अपने अपने पैतृक गांव के मतदान केंद्र में जहां आप मत डालते हैं वहां के विकास आपने क्या किया और हमने क्या किया, यही मानक पर बहस हो जाए। विपक्ष कह रही है शराबबंदी के नाम पर सरकार ढोल कर रही है सर, आप लोग शराबबंदी पर सिर्फ। मैं तो आज राष्ट्रीय जनता दल के विधायक का जो मंतव्य देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ, उन्होंने यह कहा कि हमारे होटल में पुरानी बोतल थी, ये बोतल का भी व्यापार कर रहे थे क्या, है तो बोतल और पुरानी बोतल भी इसका भी व्यापार कर रहे थे क्या। लेकिन शराबबंदी एक ऐसा अभियान है कि इसके हृदय को साफ करिए ना, मन को साफ करने में क्या दिक्कत हो रही है, शराबबंदी से पीड़ा है या शराबबंदी के क्रियान्वयन में कोई सलाह देना है, यही अंतर है। मुझे ऐसा लगता है इनको शराबबंदी से असहनीय पीड़ा हो रही है, लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सामाजिक जो परिवर्तन की बुनियाद जिन्होंने रखा है तो उस रास्ते पर चल पड़े हैं। शराबबंदी से जितनी पीड़ा आपको हो जाए, पेट में दर्द अगर हो रहा है तो सर दर्द की दवा खाइएगा, सुधार नहीं होगा, शराबबंदी कायम रहेगा।